हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एक्सपायर्ड फैंटेसी 11 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया T10 चैलेंज सीरीज का। आज का दिन का पहला मुकाबला रहने वाला है जो खेला जाएगा IDK वर्सेस BDT, यानी कि इंडियन किंग्स वर्सेस बांग्लादेश टाइगर। दोस्तों, ये 7वां मुकाबला होने वाला है। बात करते हैं, बेनू सेम है, पिच रिपोर्ट विकेट आपको नटल्ली मना है। सुबह को 7 बजे मुकाबला होगा। फर्स्ट इनिंग स्कोर 80 से 100 के बीच देखने को मिलेगा। अभी तक इस सीरीज में 6 मुकाबला हुए हैं, जो पहले बैटिंग किया 6 बार विन किया, सेकंड वाला कुछ नहीं मिला। मतलब पहले बैटिंग करने वाला को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। दोस्तों, एक बात बता दूँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं IDK यानी कि इंडियन किंग्स टीम के बारे में। 2 मुकाबला खेले, दोनों को दोनों हारे हैं। तो इसमें जो भी प्लेयर है, इनका स्टेटस सही है, उन्हीं के साथ जाना है। तो चलिए हम चलते हैं स्टेज पे। पहले हम बात करते हैं एम अरिफ जमालुद्दीन, इनके साथ आता है राजकुमार सिंह राजेंद्र। तो पहले बात करते हैं अरिफ जमालुद्दीन का, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड पेसर बॉलर है। इनका रिसेंट का स्टार्ट दिखेगा, पहले वाला में 16 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद में 17 रन 0 विकेट 1 ओवर डाल के। मतलब पहले वाला में इनको विकेट मिला है, सेकंड वाला में दोस्तों इनको विकेट नहीं मिला है, तो हम इनको स्मॉल लीग टीम में पिक करेंगे अरिफ जमालुद्दीन को। उसके बाद हम बात करने वाले हैं राजकुमार राजेंद्र को, तो राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड पेसर बॉलर है। इनका रिसेंट का स्टार्ट देखिएगा तो पहले वाला में 30 रन 36 रन, मतलब एज ए बैट्समैन खेलता है, तो इनको भी स्मॉल लीग टीम में हम लेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले चंदन कुमार, तो इनका देखिएगा तो ना पहले वाला में खेला ही नहीं है, सेकंड वाला में देखिएगा तो 6 रन, तो इनको हम छोड़ेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सुंदर मुहसिस सम्राज, इनका रिसेंट का स्टार्ट देखेगा तो पहले वाले में 28 रन, सेकंड वाले में 30 रन 0 विकेट 2 ओवर डाल कर, तो इनको हम ग्रैंड लीग के टीम में पिक करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सईद कैनिप पोयल, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट मीडियम फास्ट बॉलर है। इनका रिसेंट का स्टार्ट देखेगा तो 2 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद में 29 रन नॉट आउट, तो इनको हम ग्रैंड लीग के टीम में पिक करेंगे सईद कैनिप पोयल को। अब हम बात करने वाले हैं सईद रहमतुल्ला, इस टीम के कैप्टन भी है, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड पेसर बॉलर है। इनका रिसेंट का स्टार्ट देखिएगा दोस्तों तो 0 रन 7 रन नॉट आउट, मतलब क्या कुछ खास स्टेटस है नहीं, आप देख सकते हो, तो इनको भी हम छोड़ेंगे रहमतुल्ला को। उसके बाद इनको भी छोड़ेंगे हम, बिगनर्स के भी। जब बात करते हैं पुतल मनोज कुमार, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड फास्ट बॉलर है। इनका रिसेंट का स्टार्ट देखिएगा तो 1 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद 1 विकेट 2 ओवर डाल के, मतलब विकेट टेकर बॉलर है, तो इनको स्मॉल लीग टीम में पिक करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रशांत पांवा, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, इनका रिसेंट का स्टार्ट देखिएगा तो 2 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद 2 विकेट 2 ओवर डाल के, तो इनको हम ग्रैंड लीग टीम में पिक करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सुबानी शेख, लेफ्ट हैंड बैटिंग करवाता है, इनका रिसेंट का स्टार्ट देखेगा तो 1 विकेट 2 ओवर डाल के, 0 विकेट 1 ओवर डाल के, मतलब पहले वाला में इनको विकेट मिला है, सेकंड वाला में इनको विकेट नहीं मिला है, तो हम इनको पिक करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं राजत कुमार परी को, पहले वाला में देखिएगा तो कुछ नहीं, ना बैटिंग ना बॉलिंग, सेकंड वाला में देखिएगा तो 1 विकेट 2 ओवर डाल के, तो इनको पिक करेंगे। बेंच पे जितने प्लेयर हैं उनका नाम स्टेटस लिखा है, अगर कोई भी ऐसा प्लेयर चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं BDT टीम के, यानी कि बांग्लादेश टाइगर्स की टीम के बारे में। इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 हारे हैं, 1 विकेट किए हैं। तो हम पहले बात करते हैं मोहम्मद अली खान को, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड फास्ट बॉलर है। 13 रन नॉट, मतलब बैटिंग ने बॉलिंग 5 रन, तो इनको छोड़ेंगे, स्टार्ट कुछ खास है नहीं। अब हम बात करने वाले मेहदी हसन मधु, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, इनका देखिएगा रिसेंट का तो 7 रन 16 रन 20 रन, तो इनको हम स्मॉल लीग टीम में पिक करेंगे। उसके बाद सलेह सदम, इस टीम का कैप्टन भी है, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड पेसर बॉलर है। इनका रिसेंट का स्टार्ट दिखेगा दोस्तों तो 20 रन नॉट आउट 2 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद 5 रन, ना बैटिंग ना बॉलिंग, तो इनको हम ग्रैंड लीग की टीम में पिक करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं शमसुल हक, राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड पेसर बॉलर है। इनका रिसेंट का दिखेगा तो 1 विकेट 2 ओवर डाल के, उसके बाद 25 रन 0 विकेट 2 ओवर डाल के 16 रन, मतलब बैट्समैन सही भी है, बॉलर अच्छा खासा है, बैट्समैन भी सही है, बॉलर में भी सही है, तो इनको हम डायरेक्टली स्मॉल लीग की टीम में शमसुल हक को कैप्टन देंगे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं तेरकुल को, तो इनको भी छोड़ेंगे, मोहम्मद अहसान हुसैन को भी छोड़ेंगे। बात करते हैं MD जकीर हुसैन को, तो राइट हैंड बैटिंग करवाता है, राइट हैंड पेसर बॉलर है।
इनका रिसेंट का स्टार्ट देखिएगा तो 0 विकेट 0 एक ओवर डाल के 1 रन नॉट आउट, 1 विकेट ओवर डाल के 12 रन नॉट आउट, मतलब बढ़िया प्लेयर है तो इनको ग्रैंड लीग की टीम में पिक करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अनवर जहीद, लेफ्ट हैंड बैटिंग करवाता है, लेफ्ट फास्ट बॉलर है, तो इनको देखिएगा तो 1 विकेट ओवर डाल के 1 रन, क्योंकि कुछ खेला ना बैटिंग ना बॉलिंग मिला है पहले वाला में, तो इनको पिक करें। इनको भी छोड़ेंगे अरमान खान को, इसको भी छोड़ेंगे मिर्जाउरहमान मलिक को। सीधे बात करते हैं हम आसिफ हसन को, राइट हैंड बैटिंग करना पड़ता है, राइट मीडियम पेसर बॉलर है। इनका देखिएगा रिसेंट का तो ना पहले वाला मैंने बैटिंग ना बॉलिंग मतलब खेले ही नहीं है, सेकंड वाला मैंने बैटिंग ना बॉलिंग 6 रन 1 विकेट ओवर डाल के, मतलब इनको स्मॉल लीग टीम में पिक करेंगे। बेंच पर जितने भी प्लेयर हैं उनका नाम स्टेटस लिखा है दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा प्लेयर चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। बात करते हैं विकेट सेक्शन में तो देखिएगा एस रहमतुल्ला, बैटिंग वाला सेक्शन में ए जवालुद्दीन, सी कुमार, एम सबदू। ऑलराउंडर वाला सेक्शन में देखिएगा तो एस क्यू यानी कि उसके बाद राज आर कुमार रंजन दंदर, एस कोनी पवेल। बॉलिंग वाला सेक्शन में देखेगा तो ए जाहिद, एस एक बी कुमार, उसके बाद ए एल ताहिर। कैप्टन मेरा रहेगा दोस्तों एस एक, वाइस कप्तान मेरा रहेगा सी कुमार। यह रहा मेरा कम्प्लीटली डेमो टीम, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करो, बेल चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।